वसुंधरा का गहलोत पर निशाना, डूब रहा है कांग्रेस का जहाज, मची है उछल कूद। कांग्रेस के जहाज को छोड़कर भाग रहे हैं पार्टी के नेता, डूबते जहाज में सवारी करने को नहीं है कोई तैयार। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया पूरी रंग में दिखने लगी हैं। पार्टी हाईकमान ने अभी तक उन्हें राज्य में सीएम फेस तो घोषित नहीं किया, लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रैलियों में वसुंधरा को सम्मान दिया गया, उससे साफ हो गया है वसुंधरा को पार्टी सीएम फेस भले ही नहीं बनाए, लेकिन पार्टी के लिए वो सबसे प्रमुख चेहरों में होगी। और वसुंधरा भी अब चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है, प्रदेश का दौरा कर रही हैं और गहलोत सरकार को निशाने पर ले रही हैं। मंदिर दर्शन यात्रा पर निकली हुई हैं। उदयपुर पहुंची वसुंधरा ने सबसे पहले शहर के प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव मंदिर में पूजा की और फिर दिवंगत पूर्व विधायक की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रतिमा के अनावरण के बाद जनसभा हुई जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, कह सकते हैं जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस बहाने वसुंधरा ने कांग्रेस नेताओं को उस दावे की खिल्ली भी उड़ा दी जो कह रहे थे बीजेपी की सभाओं में भीड़ नहीं जुटती है। जनसभा को वसुंधरा ने गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया, एक एक मुद्दे उठाते हुए सरकार की असफलताओं को गिनाया। बिजली के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि बिजली तो किसानों को मिली नहीं और सरकार 100 यूनिट माफ की बात कर रही है। सवाल सीधा था, पहले किसानों को 100 यूनिट बिजली तो मिले, माफी की बात बाद में करें। जब बिजली ही नहीं दी तो फ्री बिजली के वादे का क्या फायदा। राज्य ने कहा आम जनता की यहाँ बिजली तो नहीं आ रही है पर बिलों में करंट जरूर आ रहा है। राज्य ने दावा किया है राजस्थान में इस समय परिवर्तन की हवा चल रही है, कांग्रेस का जहाज डूबने वाला है और जब जहाज डूबने लग जाता है तो अपने आप को बचाने के लिए सब जहाज से कूदकर भागते हैं। यही हाल कांग्रेस सरकार का है, सरकार को डूबने से कोई नहीं बचा सकेगा। भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि देश में अगर सबसे ज्यादा किसी प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है तो वो है राजस्थान। दरअसल इस समय राजस्थान की राजनीति में भ्रष्टाचार का मुद्दा टॉप पर आ गया है। अब तक कांग्रेस के साथ रहे राजेंद्र गुड़ा ने इस मुद्दे को उठाकर गहलोत सरकार की बोलती ही बंद कर रखी है। विधानसभा स्पीकर ने गुड़ा को विधानसभा के बचे हुए सत्र के लिए निलंबित कर दिया है, लेकिन गुड़ा के सवालों का जवाब गहलोत नहीं दे पा रहे हैं और अब वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी गहलोत को इसी मामले में घेर लिया है। कार्यक्रम में सबसे पहले वसुंधरा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारियों में पूरी ताकत से जुटने को कहा। बीजेपी को खरगोश तो कांग्रेस को कछुआ बताते हुए उन्होंने कहा कई बार खरगोश सोया रह जाता है और कछुआ आगे निकल जाता है, इसलिए ये वक्त अब सोने का नहीं है। सब कार्यकर्ता भागीरथ बनकर दुष्टों की इस सरकार को भगाने में जुट जाओ। पूरे देश में सबसे अधिक अगर कहीं भ्रष्टाचार है तो वह राजस्थान में है। महिला और दलित उत्पीड़न जैसी घटनाएं भी राजस्थान में ही सर्वाधिक हो रही हैं। कांग्रेस सरकार के शह पर प्रदेश में धर्म परिवर्तन हो रहा है, ऐसे में इस सरकार को जाना जरूरी हो गया है। वसुंधरा के तीखे तेवरों से साफ है हाईकमान की ओर से उन्हें कोई बड़ा मैसेज जरूर मिल चुका है और उसके बाद से ही वसुंधरा की गहलोत सरकार के खिलाफ अचानक तेवर बेहद तीखे हो चुके हैं। दरअसल इस बार राजस्थान में बीजेपी किसी को भी सीएम फेस बनाकर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि राजस्थान में पार्टी की आधा दर्जन से ज्यादा गुट बन गए हैं। हर गुट दूसरे की टांग खिंचाई में लगा हुआ है। वसुंधरा समर्थक अपनी नेता को सीएम फेस घोषित करने की मांग कर रहे हैं, जबकि दूसरे गुट वसुंधरा की जगह पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ने का दबाव बना रहे हैं, क्योंकि ये बीजेपी के सभी नेताओं को पता है कि राजस्थान बीजेपी में वसुंधरा की लोकप्रियता के आसपास कोई दूसरा नेता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक दर्पण न्यूज़।